हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें अपने तैरि कर देखा नान खाता बिस्किट और ये बिस्किट एक असम्भव मजार बिस्किट। तो ये बिस्किट हमें क्यों तैरी चलू देखे ना जा। आशा करी वीडियो अपन का भलो लगे और वीडियो भलो लगले हमारे वीडियो एक लाइक दिए चैनल सबसक्राइब कर। नान खाता तैरि करते हमें जे सब इनग्रेडियंट्स लागे ताकू देखिए दीची। तो एखे आधा कप परमाण घी नहीं कप परमाण मयदा, मयदा एक चालनी साजे चेले आधा कप परमाण बेसन, बेसन और चालनी दिए चेले आधा कप परमाण चीनी, चीनी ब्लेंडार दिए गुड़ो कर चेले वन फोर्थ कप परमाण सूजी और नहीं आधा चा चामच परमाण बेकिंग पाउडार, आधा चा चामच परमाण इलाचिर गुड़ा और नहीं सामान्य परमाण लवण। लवण हमें चीनी साथे ब्लेंड कर नहीं अल्प परमाण लवण मेशानो चीनी हमें ये चामचर मध्य नहीं शुधुमात्र देखानोर जोन्नो। एरपर एक बाटिर मध्य नहीं घी, घी निये एक चामचर साहाज्ये फेटे क्रीमेर मतो तैरि करे निच्छि। अबे आमी एक थेके दुइ मिनिट समय निये घी फेटिये निच्छि। तो एरपर घी फेटेनोर पर एर मध्य दिए दिच्छि आमी गुड़ो करे रखा चीनी और लवण। चीनिर मध्य किन्तु आमी खूब सामान्य परिमाण लवण दिए तारपर चीनी ब्लेंडार दिए गुड़ो करे तारपर चेले नियेछि। तो अवश्य आपनारा लवण चीनिर साथे ब्लेंड करे गुड़ो करे नेबेन और लवण ब्लेंड ना करे सरासरि एर मध्य व्यवहार करले लवणेर कणागुलो मेल्ट हय ना और बिस्किट खावार समय लवणेर कणागुलो मुखेर मध्य लागे और बिस्किट खेते लवणाक्त लागे। तो 5 थेके 6 मिनिट समय निये फेटानोर पर एटार कालार एकटु चेंज हये गियेछे और क्रीमेर मतो फ्लाफी हो गए। तो मन हे एट मेशानो हो गए। एरपर बाकी इनग्रेडियंट्सगुलो मिसिए निच्छी। प्रथम दिए दीची एक कप परमाण मयदा, एरपर दिए दीची वन फोर्थ कप परमाण सूजी, एरपर दिए दीची आधा कप परमाण बेसन, एरपर दिए दीची आधा चा चामच परमाण इलाचिर गुड़ा। इलाचिर गुड़ा देर फले बिस्किटर स्वाद द्विगुण बेड़े जाए। एरपर दिए दीची हमें आधा चा चामच परिमाण बेकिंग पाउडार। एबार सब किछु चामचर सहाज्ये खूब भालोभावे एकसाथे मिलिए निच्छि। प्रथमे आमी चामचर सहाज्ये मिशिए निच्छि, एरपर एर मध्ये हाथ व्यवहार करछि। तो हाथ दिए खूब जोरे चाप दिए एटा मेशाते होबे ना, एकेबारे आलतो हाथे अर्थात नरम हाथे मेशाते होबे। तो आमार काछे मने होच्छे ए डोयेर मध्ये आरो एकटु घी लागबे कारण आमी हाथेर मध्ये निये एकटि बल तैरि करेछि आर एकटु चाप देवार पर एटा भेंगे जाच्छे। तो सेजोन्नो आमार काछे मने होच्छे एर मध्ये आरेकटु घी लागबे, सेजोन्नो आमी आरो 2 थेके 3 टेबिल चामच परिमाण घी एर मध्ये एड करेछि। तो आर बिस्किट तैरि डो किन्तु रुटि बा परोटा डोयेर मतो खास्ता होबे ना, एटा एकटु फ्लाफी ओ शुकनो टाइपेरई थाकबे। तो आमी एर मध्ये आरो एक टेबिल चामच परिमाण पानी दिए दीची। आसले पानी ना दिलेओ चलतो, तारपरो आमार काछे मने होच्छे आमी एर मध्ये सामान्य एकटू पानी दिई। तबे बेशी पानी देवा जाबे ना, एकेबारे मेपे एक थेके दुई चा चामच परिमाण पानी एर मध्ये दिते होबे। तबे आमी एक टेबिल चामच परिमाण पानी दिएछि। एखन ए डो आमी 10 मिनिटेर जन्य नर्माल फ्रिजे रेखे दीची। एरपर फ्रिज थेके बेर करे बिस्किटगुलो तैरि करे निच्छि। तो बिस्किटगुलो आमी चामचेर साहाज्ये तैरि करे निच्छि। प्रथमे एक टेबिल चामच परिमाण बिस्किटेर डो आमी एक चामचेर मतो दिए आबार अन्य हाथे एक ही साइजेर आरेकटी चामच निये चाप दिए बलेर मतो तैरि करे निच्छि। जदिओ बिस्किटटी एखन बलेर मतो मने होच्छे आर बेक करार पर ए बिस्किटगुलो एकटु फ्लैट टाइपेर हये जाबे। तो बिस्किटगुलो तैरि करार पर आमी एकटी बाटार पेपारेर उपर रेखे दिच्छि। तो आज जादेर बासाय बाटार पेपर नेई तारा इच्छे करले बाटार पेपारेर परिवर्ते लेखार कागजेर उपर एकटु तेल ब्राश करे बिस्किटगुलो रेखे दिते पारेन। एरपर ए बिस्किटगुलोर उपर आमी किछु काजू बादाम ओ पेस्ता बादाम दिए दिच्छि आर ए काजू बादाम ओ पेस्ता बादाम देवार फले बिस्किटगुलो देखते जेमन सुंदर लागबे खेतेओ ततटाई मजा लागबे। आर ए बिस्किटगुलो आमी ओवेने बेक करे निच्छि। तो आमार ओवेने आमी 160 डिग्री সেলসিয়াসে 20 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার বিস্কিটগুলো হতে 20 মিনিটেই সময় লেগেছে। এরপর চুলাতে তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো চুলায় তৈরি করার জন্য আমি এখানে একটি স্টিলের প্লেটের উপর লেখা সাদা কাগজ বিছিয়ে এর উপর সামান্য পরিমাণ তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এরপর এর উপর বিস্কিটগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এর অন্যদিকে চুলাতে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি और कड़ाइर ऊपर एक स्टीलर स्टैंड रेखे एर ऊपर प्लेटटी रेखे दीची।
তারপর একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। প্রথমে চুলার আঁচ একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, এরপর চুলার আঁচ কমিয়ে দিয়েছি। আর বিস্কিটগুলো হতে আমার সময় লেগেছে 25 থেকে 30 মিনিটের মতো। তো আমার ওভেন ও চুলার দু রকমের বিস্কিটে মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর ও মজাদার হয়েছে। আর বিস্কিট যখন তৈরি করা হয় গরম অবস্থায় অনেক নরম থাকে, সেজন্য এগুলো তখন ধরতে হয় না, আর তখন বাতাসের মধ্যে খোলা অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিতে হয়, তখন বিস্কিটগুলো একেবারে মচমচে ও খাস্তা হয়ে যায়। তো দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আমার ঘরে তৈরি মজাদার নান খাতাই বিস্কিট। আসলে এই বিস্কিটটা এতটাই মজা যে আমার কাছে মনে হচ্ছে এতদিন যে বিস্কিট খেয়েছি তার চেয়ে এটা অনেক গুণ বেশি মজা। তো দর্শক, আশা করছি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।